ईयर भी है, सो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। तो मिस्टर पीके के साथ हम लोग जा रहे हैं उन्हीं के बर्थडे का केक खरीदने। ओके गाइस, चलते हैं। एक सेम केक शॉप पे आए हैं हम लोग। गोइंग टू टेक कैरेमल चॉकलेट। कैरेमल चॉकलेट, यस, दिस वन। दिस वन तिरामिसू। तिरामिसू, तिरामिसू कैरेमल ले लिया हमने। बर्थडे बॉय अपना बर्थडे केक लेके चल रहे हैं। ओके गाइस, तो आप लोग सोच रहे होंगे हमारे दोनों बच्चे कहाँ गए। तो दोनों दादा दादी के साथ घर पे हैं। एक्चुअली पीहू सो रही थी, हमने पीहू को नहीं लिया क्योंकि बदमाशी करने लगती है ज़्यादा ही। तो वो सोते हुए जस्ट उठने वाली थी कि हम लोग बाहर निकल गए हैं। तो मनु तो रह ही लेती है, उसको तो अभी कुछ समझ ही नहीं है। तो हम जा रहे हैं, देखते हैं उन लोगों का रिएक्शन दादा दादी के साथ कैसा है। पीहू तो रह लेती है दादी के साथ, कल कोई सरप्राइज़ नहीं है। बिकॉज ये सिंगापुर है और मैं यहाँ पे न्यू हूँ, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है इतना ज़्यादा, कुछ ऑनलाइन का भी आइडिया नहीं है। मनु बहुत ज़्यादा रो रही है, पता चला ये ड्रेस इसे सही नहीं लग रहा है, इसे चुभ रहा है आई थिंक। तो इसे सॉफ्ट ड्रेस ही पहना दे रही हूँ मैं। आई थिंक सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती होगी। पीहू के समय भी पीहू कभी नहीं पहनी ऐसे, सॉफ्ट नेट हो तो पहन लेगी, अदरवाइज दो तीन जो लेयर वाले होते हैं ड्रेस वो नहीं पहन पाती है, अभी भी नहीं पहन पाती पीहू। अब मनु तो बिल्कुल, अब देखो कितना रो रही है, चेंज कर दे रही हूँ। क्या है सरप्राइज गिफ्ट? मनु अपने ओरिजिनल ड्रेस में आ गई है। मैं से ले ली आ डैडी को ना दीजिए तू। चला अभी फिनिश हो गया, अब थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, खिला लो डैडी को। हो गया मनु देख रही है। मनु तो केक कटिंग हो चुका है, अब सब लोग चाय पियेंगे, फिर रात में हमने सोचा कि बाहर से लेकर आएंगे। आज नहीं खाना बनाएंगे, आज हमारी छुट्टी हो गई है, आज बाहर से आएंगे, फिर देखते हैं क्या क्या मिलता है। क्योंकि पापा जी तो वेजिटेरियन है, संडे मम्मी जी खाएंगी नहीं, तो दोनों लोग के लिए वेजिटेरियन, फिर हम लोग के लिए थाई फूड हमने देखा है, वो लेकर आएंगे। ओके गाइस, तो हम लोगों ने अब डिनर कर लिया है, यहाँ 10 बज चुका है, अब हम लोग सोने जा रहे हैं। मनु भी सोने के लिए बेताब हो रही है, उसको भी नींद बहुत तेज आ रही है, सो वी आर गोइंग टू स्लीप। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।
आप लोग सब नए तरीके से अपने ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। किसी से भी कोई भी शिकवा गिला हो सब हटा के फिर से नया रिलेशन स्टार्ट कीजिए उनके साथ, और सभी के साथ खुशी खुशी रहिए। हैप्पी न्यू ईयर। और यस, मेरे हस्बैंड को हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिएगा। आप लोगों की दुआएं हम लोगों पे बनी रहे। ओके ओके गाइस, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब बटन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।